जब भी इतिहास दोहराया गया है तो मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सबसे आगे और सबसे पहले आया है। दोस्तों, अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो मेरी माँ मुझे तब भी जन्म देती, लेकिन मेरी वो जिंदगी जानवरों से बदतर होती अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उसमें से छुआछूत, जातियों में से भेदभाव और ऊंच नीच को मिटाया नहीं होता तो। लेकिन आज भी हमारे दलित समाज के ऊपर भारत देश में आए दिन न जाने कितने अत्याचार होते रहते हैं। ये बात अलग है कि आज राजनीति के तौर पर हमारे बहुजन समाज को अलग अलग करके रखा है, और बहुजन समाज की सबसे बड़ी गलती तो ये है, ब्राह्मण तो संविधान को पढ़कर कोर्ट में हथौड़ा बजा रहा है और ब्राह्मण का बेटा संविधान को पढ़कर विदेशों में कमा रहा है, और ब्राह्मण के ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो क्योंकि वो संविधान को पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा बहुजन समाज जो है वो क्या कर रहा है, वो रामायण जैसी किताबों को पढ़कर मंदिरों में घंटा बजा रहा है। अगर इसी तरह हमारा बहुजन समाज सोता रहा, अगर वो जागने की कोशिश नहीं करेगा तो ऐसे कब तक वो अछूत ही बनकर रहेगा। जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा उसी दिन इस देश से छुआछूत और जातियों में से भेदभाव जो भी होता है वो भाग जाएगा। इसीलिए दलित भाइयों का जागना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग दलित बनने रहना चाहते हो तो आप लोग इसी तरह सोते रहिए, रामायण को पढ़ते रहिए, संविधान को पढ़कर जो लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ता रहने दीजिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप लोग संविधान को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाओगे। और उस बीच में मैं लिख कर देता हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बहुजन समाज खुद संविधान को जला देगा। इतिहास इन बातों पर भी गवाह रहा है, जब जब किसी अपनों पर अत्याचार हुआ है तो अत्याचार करवाने वाले विरोधियों में कोई अपने पक्ष का आदमी मिला रहता है। इसे ही राजनीति कहते हैं। यदि राजनीति के तौर तरीके बहुजन समाज नहीं समझ पाएगा तो इसी तरह आज तक दलित बना रहेगा और आगे भी न जाने कब तक दलित बना रहेगा। इसीलिए बहुजनों का जागना बहुत जरूरी है। ये मेरी वीडियो जितनी ज्यादा हो इतनी शेयर करें ताकि हर बहुजन समाज का लोग जाग सके। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां नहीं तोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे भारत देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है। दोस्तों, चाइना में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति बन रही है और लंदन में भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है। और सबसे खुशी की बात, अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में एक अम्बेडकर मेमोरियल बना है जिसकी कीमत लगीने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। लेकिन मैं लिख कर देता हूँ कि हमारा भारत कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय भीम, जय भारत।